Hello my dear students, I am Niranjan sir and you are watching my YouTube channel Namik Science Classes Bureau. My dear student, today we will discuss how to find density of a unit cell and we will also discuss the coordination number of a sphere of a particle, right? Let's start today's class. My dear students, first of all, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा था, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोग यह देखे थे कि किसी यूनिट सेल में जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन रहता है उसका जो रेडियस है और उसकी एज लेंथ है, किसकी यूनिट सेल की क्या रिलेशन है, ठीक है? इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज उसको पहले आप देख लो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना, ठीक है? चलिए, तो मैंने स्टूडेंट हमने क्या देखा था, हम देखे थे कि ये सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है? क्या एक सिंपल यूनिट सेल है, इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव, ठीक है? तो मैं देखते हैं सिंपल यूनिट सेल में, ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितना रहते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो वन रहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जितने भी एटम है वो सब सब कॉर्नर रहते हैं, एक कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1/8 पार्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 1 एटम का, ठीक है? तो 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर में आकर के 1 एटम मिल रहा है, ठीक है? दूसरा था एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ रिलेशन, ये आया था ए बाय। माय डियर स्टूडेंट, ये जो एज लेंथ है किसके लिए है, तो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, ये किसके लिए है, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है? कोई नॉन आयनिक सॉलिड है उसके लिए एज लेंथ रेडियस और एज लेंथ के रेशियो होते हैं। अगर ये हम आयनिक सॉलिड की बात करें, फॉर आयनिक सॉलिड, ठीक है, तो मैग्नेशियम आयनिक सॉलिड क्या चीज को मिलकर बना होते हैं, तो इसमें कैटायन होगा और एनायन से मिलकर बना होते हैं, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहां पूछ सकते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एटॉमिक रेडियस ऑफ एनायन, एनायन ये और कैटायन बराबर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है? काम निकाले, तो ये है आयनिक सॉलिड, ठीक है? दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सुनो एफसीसी बोलते हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है? तो इसमें होता है नंबर ऑफ एटम कितना रहता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें जो रहता है कितना, अब बताइए थे तो फेस सेंटर में क्या रहते हैं कि कॉर्नर पर रहेगा ही साथ साथ हर एक मतलब क्यूब के फेस पर रखते हैं, नहीं अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो ये फिगर बनेगा, ठीक है? तो यहाँ तो रखता है ये हमारे पास एक पार्ट रखते हैं उन्हें तक का, ठीक है? ऐसे करके जैसे कि यहाँ हो गया और पट्टे को फेस पर रहेगा, ठीक है? सेंटर पर एक तो इसके फेस हो गया और एक इसके फेस में हो गया, सॉरी इधर सेंटर पर होगा, ठीक है? इस तरह से रहते हैं, ऐसे लगाओगे तो ये सेंटर पर आ जाएगा, ऐसे लगाओगे तो ये सेंटर पर आ रहा है, तो इसको आप ऐसे मिला दो, 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 ठीक है? आज आप देखोगे कि ये सब सब क्या है, सेंटर पे हैं, तो ये होते हैं फेस सेंटर, इसमें टोटल नंबर को ये 8 कॉर्नर मिला कितना आइटम हो गया,
वन एटम हो गया, वन बाई एट पार्ट, यहाँ पे वन बाई एट होते हैं, वन बाई एट, वन बाई एट सब एट कॉलम एड करेंगे तो वन एटम मिलेगा, और जितना इच फेस है उस पर हाफ एटम रखते हैं, ठीक है। तो कितना फेस है, सिक्स फेस है, तो ये सिक्स फेस मिला आपके कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम फेस पर, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे जो कॉर्नर पे है तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम कितना, फोर हो जाएगा इन एफ सी सी, राइट। इसकी रेडियस जो हम निकाले थे तो रेडियस आया था कितना, यह आया था वन बाय टू टू इंटू ए, ये आया था, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, किसके हैं, नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। फिर भी सिर्फ जोड़ो आयनिक लिए कितना हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट ये आयनिक लिए हो जाएगा कितना, उसको लिखते हैं एन आई प्लस टेन वन बाय रूट टू ए, ये है इसके लिए, तो आयनिक सॉलिड के लिए आयनिक सॉलिड के लिए, ठीक है। इसी तरह तीसरा है क्या, बी सी सी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इसको बी सी सी बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है, बी सी सी। तो मैं ये इसमें बताऊँ बी सी सी नंबर एटम क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स और क्या है बी सी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी सी क्या रहता है कि आपका मान लीजिए बी सी सी चल रहा है, ठीक है, तो कॉर्नर पर रहेगा सब में, जब कॉर्नर पर रहेगा पिस्टन के अंदर मन होगा ही नहीं, अभी हमने अभी हम, ठीक है, तो यहाँ हो गया कॉर्नर पर। अब क्या होगा, एक जो एटम रहेगा इन सभी के सेंटर में रहेगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे मिलाओगे तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब देखो कि ये क्या है, सेंटर में, ठीक है, इसका बॉडी सेंटर में काम करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम शुरू हो जाएगा, कॉर्नर हो गया वन और बॉडी हो गया वन, यानी कि टू एटम हो जाएगा, ठीक है। इसके रेडियस क्या रह सकता है, सेरेडियस रह सकता है थ्री बाय फोर, ये जरूर थ्री बाय फोर ए था, ठीक है, ये किसके लिए है, जिस नॉन आयनिक के लिए, किसके लिए है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए, ठीक है। अगर हम आयनिक की बात करेंगे तब ये हो जाएगा रेडियस एन एन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बराबर थ्री बाय टू ए, किसके लिए है, यह है आयनिक आयनिक सॉलिड, ठीक है। एक है चौथा क्या होता है, एक होता है क्या होता है, एक क्या होता है एज सेंटर यूनिट, एज सेंटर यूनिट, ठीक है, एज सेंटर यूनिट, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये यूनिट सेल है, ठीक है, इसे कॉर्नर पर रहेगा, और इसे प्रत्येक एज के सेंटर पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इतना है। इसमें जो नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं वो हो जाते हैं कितना, चार, तो भरा जाएगा नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना, चार ए बाय फोर, ठीक है, वही है नॉन आयनिक के लिए, नॉन आयनिक के लिए, आयनिक के लिए हो जाएगा कितना, आर ए प्लस आर सी बराबर ए बाय टू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे,
करें हैं चलिए। तो ये बात हो गई थी, इसमें आज मैंने क्या ये बताया, ये तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ये सब देख लेना कैसे नंबर डेटा फिर डाला जाता है, कैसे रेडियस ये आर रेडियस स्फीयर आई ये क्या है एज लेंथ है क्यूब का, यानी कि ये लेंथ क्या है ये सब क्यों है, ये दीवार दिखा रहे हैं दूसरी बात है, लेकिन ये सब कुछ सब देख के सब जानते हैं ये है और क्यों दिखाएंगे तो फिगर फिगर नहीं आएगा, इसलिए हम क्यूब बनाते हैं और कोई बात नहीं चिंता करें। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है चलिए तो हम सीखेंगे डेंसिटी निकालना। डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है तो ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको बता फिजिक्स में आप देखे होंगे कि तीन टाइप डेंसिटी होते हैं, एक तो होता है लीनियर डेंसिटी, ठीक है मास पर यूनिट लेंथ, एक होता है सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वॉल्यूम डेंसिटी है, ठीक है तो ये होगा डेंसिटी में क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर देखिए मान लें क्यूबिक सिस्टम का एक क्यूबाइड बना रहे हैं, जो वो ये बना रहे हैं चलिए हम क्यूबिक बना रहे हैं, ठीक है इसकी साइड क्या हो जाएगा ये भी है ये भी है और ये भी क्या है, ठीक है तो हमको डेंसिटी निकालने से डेंसिटी हो जाएगा, तो डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी एक चीज बताओ ये क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें मास मास किसमें रहेगा, स्फीयर में मास रहेगा कि क्यूब में रहेगा, जी स्फीयर में रहेगा, ठीक है वो स्फीयर क्या है एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम या मॉलिक्यूल का ही मास होगा ना, ये इसका कोई शेप का कोई मास होगा, ये तो शेप है उस हम एटम या पार्टिकल पार्टिकल को जब मिलाते हैं तो लाइन के द्वारा हमको क्यूबिक शेप मिल रहा है, ठीक है तो इस शेप में अपने आप तो मास तो है नहीं, मास किस में है तो स्फीयर में है, तो डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल हो जाएगा टोटल मास ऑफ स्फीयर, ठीक है इन क्यूबिक या क्यूबिक जिसका जो बोलो अपन वॉल्यूम किसका लेंगे, तो मतलब वो स्फीयर जब मतलब स्फीयर का अरेंजमेंट वो हम जब लाइन से मिला के क्यूब क्यूब मिल रहा है, ठीक है तो वो कितना स्पेस क्षेत्र है स्फीयर क्यूब के डाटा क्षेत्र है ना, तो वॉल्यूम डिफिनेशन यही होते हैं कि कोई भी चीज जितना स्पेस छेकता है वही स्पेस कहलाता है वॉल्यूम कहलाते हैं उस चीज का उस वस्तु का, ठीक है एग्जाम्पल के लिए इसका वॉल्यूम कितना होगा इसको क्या करेगा ये अपने आस पास जितने एयर को डिस्प्लेस किया है, ठीक है वही करेगा वॉल्यूम, या ऐसे समझ सकते हो इसको क्या करो किसी मान लीजिए उसको मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है इसको बाहर निकालेंगे कि सिलेंडर मिलेगा उस सिलेंडर में उस मिट्टी में पानी डाल देंगे उस पानी का जो आयतन होगा वही इसका क्या बताओ वॉल्यूम हो जाएगा, राइट ठीक इसी तरह इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए क्या बनेगा इस क्यूब का वॉल्यूम बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ तो यूनिट सेल का वॉल्यूम को वॉल्यूम निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे तो वो डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, अब इसको बनाएंगे कैसे इसके ग्रेडिएंट फॉर्मूला आते हैं वो कैसे निकालेंगे चलिए इसी फॉर्मूला को देखते हैं क्या है,
डेंसिटी, चलिए हम डेंसिटी को रो से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वो बराबर मास, टोटल मास स्मॉल आर बना लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम को हम क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो क्यूब है तो इसका एक क्यूब हो जाएगा। नहीं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको एम नहीं मालूम है, कुछ स्फीयर का कितना है। एक बात और, नंबर ऑफ एटम्स हर एक न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, तो ये मास क्या होगा, अलग अलग होगा ना, ठीक है। एक और जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं जो हर एक अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए अप्लीकेबल हो, ठीक है। चलिए तो ये डेंसिटी होगा, ये रो बराबर एम होगा। चलिए यहाँ पर एम का मान वैल्यू निकाल लें, माय डियर स्टूडेंट ये क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई ये क्या एक सिस्टम क्यूबिक सिस्टम है, इसमें मान लो कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम, मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक मोल के बराबर है, ठीक है। क्या है, एक मोल के बराबर है। और एक मोल का मास कितना होता है, जी एक मोल का मास जो होते हैं उसके मोलर मास के बराबर होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर सोडियम, मान लीजिए सोडियम का एक क्रिस्टल है, ठीक है, वो क्यूबिक शेप में है, राइट। तो कहेगा क्या बताओ, सोडियम का क्रिस्टल हो गया, तो मान लीजिए क्रिस्टल एक मोल सोडियम है, कितना है एक मोल सोडियम है, तो कहेगा डेंसिटी कितना हो, किस शेप में है। तो एक मोल का मास निकाल लेंगे, तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, तो एक मोल का जो मास होते हैं वो उसके मोलर मास के बराबर होते हैं। मोलर मास क्या होते हैं, तो एटॉमिक मास में जब हम ग्राम लगा देंगे तो वो रिंग बजाने करता है एक मोल के मास को, अगर आप एन लगाएंगे तो वो रिंग बजन करता है एक एटम या एक मोलिक्यूल या एक आयन के मास को, राइट। तो एक मोल के मास के लिए क्या चाहिए, तो मान लीजिए आपको क्या लिखा चला रहा है, मोलर मास दिया है, क्योंकि आयन का क्रिस्टल है, ठीक है। ये मान लो प्रिमिटिव शेप का है कि क्यूबॉइड शेप, मतलब प्रिमिटिव शेप का या सेंटर्ड शेप का या किसी भी शेप का दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या डेंसिटी निकाल दिया, तो करते क्या है, मान लो तो मोलर मास होते कि इसमें मोलर मास क्या है, और ये जान लेते हैं कोई क्यूबिक सिस्टम है ना, उसमें एटम जो है, नंबर ऑफ एटम जो है वो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, जो मान मान लो वो मान लेते जेड, मान लेते हैं इफेक्टिव, जो कहा जाते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर जेड के नंबर के बराबर एटम की जो संख्या होगा उसकी जो मास होगी वो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगी, ठीक है। हो सकते हैं कि मास हो, ठीक है, एज यू नो दैट मास ऑफ एन एन होगा एक ग्यारह हो जाएगा, कितना किलो होते हैं कितना 6.023 10^23 इतना पार्ट कुछ कहते हैं मान से इतना एटम्स कितना हो जाएगा कैपिटल एन मोलर मास है मास इन ग्राम तो ये क्या है मोलर मास ये क्या है मोलर मास ग्राम मास ठीक है तो बताओ देयरफॉर मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा एम ऑफ एन इस क्यूबिक सेल में कितना मान का मतलब एटम है मान लीजिए जेड है देयरफॉर मास ऑफ जेड एटम कितना हो जाएगा एम ऑफ एन ए इंटू क्या मैं गेस्ट है हमको
निकल गया क्या हमारा, हमको नंबर ऑफ सही टोटल मास निकल गया है इस क्यूबिक स्फीयर का जेड के फॉर्म में। तीन तो डेंसिटी निकालना है, जान ही सकते हैं ना, ना तो जा डेंसिटी कितना आ जाएगा, तो मास कितना है निकल गया यही स्मॉल एम है, मानिए तो हो गया एम इंटू जेड अपॉन एन ए बटा ए टीएम, इसको लिखते हैं डेंसिटी को रो से लिख सकते हैं एम इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, तो ये रेडीमेड फॉर्मूला हो गया किसी भी क्रिस्टल के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अब उस क्रिस्टल क्या मालूम होनी चाहिए, जेड मालूम होनी चाहिए और मोलर मास मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वो दिया अगर आयरन है कि एल्युमिनियम है कि आपको सिल्वर है या जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा उसके अनुसार हो जाए उसका डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है, एलिमेंट दिया जाएगा यहाँ पर एटॉमिक मास ग्राम पर मास हो जाएगा, ठीक है, कंपाउंड दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो ये हो गया फॉर्मूला हो गया डेंसिटी निकालने का। ठीक है, इस फॉर्मूला से किसी भी क्रिस्टल का डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए, तब इस कुछ क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लिए, चलिए एक बार इसे डेंसिटी के मेजरमेंट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ रो डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी हो जाएगा तो ये मास पर तो होते हैं, तो मास और के जी में लोगे इसमें मीटर क्यूब हो जाएगा, किसमें एस आई में है, किसमें हो जाएगा एस आई में के जी में रखा हो सकता है। ठीक है, सी जी एस लिखना चाहोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किसमें हो जाएगा सी जी एस में हो जाएगा। ठीक है, या फिर ग्राम मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये सी जी एस में होगा, ये सी जी एस होगा, ये एस आई होगा। ठीक है, तो ये यूनिट हो सकता है, कोई यूनिट हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया डेंसिटी, तो यहाँ पर इक्वेशन ले, तो ये रहा सवाल, तो इस पर ट्राई कीजिए। चलिए मैं ये सुना यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखो क्या दिया हुआ है, एक यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, ये होते हैं 27 ग्राम हो जाएगा, कितना होते हैं 27 ग्राम। ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये क्यूब विद एज लेंथ कितना दिया है, ए बराबर 405 पिकोमीटर। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर बराबर होते हैं 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है डेंसिटी हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4×10⁻¹⁰ सेंटीमीटर। राइट, डेंसिटी दिया हुआ है कितना 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर कौन क्या होगा, तो जैन कभी निकालेंगे, अगर 1 आएगा तो बोलेंगे प्रिमिटिव होगा, अगर 2 आएगा तो बोलेंगे सेंट्रोपोरी सेंट्रल होगा, अगर 4 आएगा तो बोलेंगे फेस सेंट्रल होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, तो मेरे पास तो है रो बराबर क्या है एम एन टू जेड अपॉन ये तो क्या रो है नंबर एन टू ए। ठीक है, तो एम कितना है तो 27 ग्राम, जेड कितना है निकालनी है, ठीक है, और एन ए कितना है 6.023 कैंटी पावर 23। ठीक है, ये हो गया, और इसकी एज लेंथ कितनी है, ये है 405×10⁻¹⁰ इतना क्यूब। ठीक है, ये डेंसिटी कितना दे दिया है, डेंसिटी बराबर दिया है कितना, ये कितना दे दिया है, ये दिया 2.7×10⁻¹⁰ पाप तो नहीं है ना, नहीं है, ये
इतना ग्राम। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कुछ फाइनल कर देते हैं, ये चीज़ें डन हो गया, नहीं हो गया तो ये जेड बराबर हो जाएगा कितना, ये लगभग आ जाएगा चार आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा करके देखना लगभग क्या आ जाएगा, ये चार आ जाएगा ठीक है। तो यानी कि चार किसके एटॉमिक नंबर में है, नंबर ऑफ एटम किसमें चार आते हैं, यस किसमें एफ सी सी बॉडी स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से बनाते हैं ठीक है। तो ये है कौन सा होगा एफ सी सी हो जाएगा, सही आ गया है। चलिए ओके नोट कर लीजिए पहले, कर लिए चलिए आज का समय है स्टॉप कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ठीक है। माय डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी।